अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं फूड किंग शेफ हम्माद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से। तो ईद उल फितर की ईद और हम अपने किचन में बना रहे हैं गुलाब जामुन। ऐसे कैसे हो सकता है कि ईद उल फितर हो और घर में मीठा नहीं बने? तो चले हम भी ईद उल फितर की ईद को दोबाला कर लेते। उसके लिए मैंने 1 कप फुल भर के मिल्क पाउडर ले लिया। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। 1 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर और यहाँ हम 1/2 कप लेंगे मैदा। 4 टेबल स्पून लेंगे रवा यानी कि सूजी और यहाँ हम 2 टेबल स्पून लेंगे मेल्टेड घी जिसे मैंने मेल्ट कर लिया। और 1/2 कप लेंगे दूध दूध रूम टेम्परेचर। 2 चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप पानी ले लिया, 1.5 कप चीनी और यहाँ हम 1 टीस्पून लेंगे लेमन जूस जिससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। और 2 से 3 लेंगे ज़ाफ़रान यानी कि केसर के धागे है तो डाल दे वरना स्किप कर दे। और हाँ, आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो चले स्टार्ट करते। यहाँ देखिए एक सॉस पैन मैंने चूल्हे पर रख दिए। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा पानी और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगा चीनी। ये दानेदार है, पाउडर नहीं है। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा लेमन जूस। और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगा और अब मैं इस चीनी को डिजोल्व होने दूंगा इस पानी में। और अब हम इसके 1 तार 2 तार चाशनी ही बना रहे लेकिन गाढ़ी साइड पे ही मैं रखूंगा। और अगर आप इसको पतली साइड पे रखेंगे तो फिर गुलाब जामुन सीरा नहीं पियेंगे। ये देखें चीनी हमारी डिजोल्व हो जाए। मैं गाढ़ी साइड पे ही रखूँगा मीडियम फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें चीनी हमारी अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर डालूँगा ज़ाफ़रान के कुछ धागे। इससे कलर अच्छा आ जाएगा चाशनी का, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अब रख देते इसको एक साइड पे। गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बोल मैंने ले लिए। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा मिल्क पाउडर और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा बेकिंग पाउडर, मैदा, रवा और ये घी। आप इस जगह बटर भी ले सकते, उसे मेल्ट कर दीजिएगा। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगा और इसे मिक्स कर लूँगा। हमें इसे घूनना नहीं है, बस सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना है। और दूध जितना लगेगा फिर मैं आपको बाद में बता दूँगा। और इसे हम सॉफ्ट ही रखेंगे। अगर आप इसे हार्ड कर लेंगे तो फिर गुलाब जामुन हमारे चाशनी नहीं पियेंगे और ये हार्ड रहेंगे। ये देखें इसे मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया और ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें तो चले अब हम गुलाब जामुन बनाते। 1/2 कप दूध से 2 टेबल स्पून दूध बचा था, तो चले अब हम छोटे छोटे से इसके बॉल्स तोड़ लेंगे नींबू के साइज के। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी आप जो भी लगा लें। उठाएंगे और इसे गोल करेंगे। इसमें कोई क्रेक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा वरना ऑयल में जाके ये फट सकते। ये देखें एक गुलाब जामुन मैंने बना लिया और ये देखें कोई क्रेक नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसी तरीके से सारे बना लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगा। यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑयल हमारा कितना गर्म होना चाहिए। ये देखिए ये अगर आप डाल दें फ़ौरन से ऊपर आ जाए तो ऑयल हमारा इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ये अंदर डिबर है तो इस तरह का ऑयल हमें चाहिए कि ये अंदर डूब जाए। तो चले अब हम डालते इसे निकालते। ये देखिए अब मैं डालते जाऊँगा। अगर आप इसे तेज़ गरम
अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डाल देंगे, बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए सारे बॉल्स मैंने डाल दिए, लेकिन शुरू में हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ज़रूरत महसूस होगी तो ऑयल को मैं टच करूँगा, लेकिन गुलाब जामुन को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, फट जाएंगे। और जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे, ये ऊपर आते जाएंगे, मैं आपको दिखाता जाऊँगा बीच बीच में। और चूल्हा हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है, अगर आप ज़रा सा भी तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें नीचे से कलर आ चुका है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको पलटूंगा। अगर आप तेज़ी से करेंगे तो ये फट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मैं फोल्ड करूंगा, और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ऑयल को मिक्स करूंगा, गुलाब जामुन को ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा वरना ये फट सकते। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब 4 से 5 मिनट लगेंगे ये और फ्राई हो जाए। अभी मुझे 4 से 5 मिनट लगे तो 4 से 5 मिनट ये और लेंगे टाइम, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए, 8 से 10 मिनट लगे तो, और अब मैं इसे निकाल लूँगा। ये देखिए, और अब मैं इसे गर्मा गर्म चाशनी में डाल दूँगा। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई तो आप गैस की फ्लेम को ऑन करके चाशनी को गर्म कर ले। और अब ये मैं चाशनी में डाल लूँगा, गर्मा गर्म चाशनी में। ये देखिए, ये देखिए मैं इसे डिप कर लूँगा इस चाशनी में। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 2 घंटे के लिए, ताकि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें गुलाब जामुन। फिर मैं आपसे मिलता हूँ 2 घंटे में। देखिए 2 घंटे के लिए मैंने गुलाब जामुन को चाशनी में रख दिया था। ये देखिए, और अब मैं इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए एक प्लेट मैंने ले लिया सर्व करने के लिए, और अब मैं गुलाब जामुन को निकाल लूँगा। आप भी इस ईद उल फितर के ईद में यह गुलाब जामुन बनाएं और अपने ईद को दोबाला कर दें। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर लूँगा पिस्ते, इससे बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा इस तरीके से। आप भी ये गुलाब जामुन बनाएं और अपने इस ईद उल फितर ईद को दोबाला कर दें, मज़े करें और मज़े करवाएं। अगर आपको ये सिंपल तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।